नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इस बार पुनः उत्तराखंड पर बात हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि कुछ ही महीनों बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और जो घोषणाएं हो रही हैं सैकड़ों करोड़ों की, वो कितनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो पाएगी, इसके बारे में आप सब विदित हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बयानबाजी का सिलसिला जारी है, उनकी परिवर्तन यात्राएं जारी हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि आने वाले चुनाव में वो बाजी मारेंगे इस बार। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ कटिना में चुनाव लड़ने का दम्भ भर रहे हैं, और अजय कोठियाल 3 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करके आम आदमी पार्टी की धमक दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आजकल घट रहा है, वो है 2 मुख्य पार्टियों के भीतर चल रहे द्वंद्व। जहां कांग्रेस में 2 खेमों में सिर्फ टवल की स्थिति हमने देखी पिछले दिनों, आउटगोइंग प्रेसिडेंट और मौजूदा अध्यक्ष और इलेक्शन कमेटी के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं हरीश रावत के बीच, किशोर उपाध्याय जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी कुछ नाराज चल रहे हैं, उनके बारे में भी कई स्पेकुलेशन लगाए गए पीछे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी स्थितियां बहुत गंभीर हैं, खासतौर से रूलिंग पार्टी होने के नाते, जिसके खिलाफ पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रक्चर जोर पकड़ रहा है, जिन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बढ़ डाले और 3-4 महीने के अंतराल में ही पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाद में धीरज सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी। इसका भी क्या संदेश जनता के बीच में गया, आप इसे भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज इन सब के बावजूद जो एक अहम मुद्दा है, ढेंचा बीज कांड, उसका लगता है जिन फिर बाहर आ गया, और मीडिया हाइप भी इस मुद्दे पर काफ़ी है, और जो नेता जिनके बयानबाजियों से ये सिलसिला उठा है, जोर पकड़ा है, उससे स्थितियां हास्यास्पद बन रही हैं। कितनी अजीब बात है कि ढेंचा बीज कांड, जिस पर लगभग पूर्ण विराम लग चुका है आज की तारीख में, उसे सिर्फ इसलिए उछाला गया क्योंकि इनके आपसी द्वंद्व हैं। हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अलग अलग दलों के, उनके बीच में जो दोस्ती है, उनके बीच में जो गलबलियां हो रही हैं, उससे सभी विदित हैं। लेकिन इसका जो बुरा असर पड़ा है वो हड़क सिंह रावत, जो मौजूदा मंत्री हैं, उन पर इतना पड़ गया कि उन्होंने इसकी खुन्नस निकाली और उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो एक दूसरे की पब्लिकली तारीफ कर रहे हैं, वो उन्हें रास नहीं आई, और उन्होंने जो है इस जिन को फिर खोल दिया, ढेंचा बीच कांच का जिन। हड़क सिंह रावत ने न्यूज़18 को अपने इंटरव्यू में जो धमाका किया है ढेंचा बीच कांड को लेकर, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दूरगामी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उनके दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर भी, क्योंकि इसमें जो ट्रायो इन्वॉल्व हो गया है वो डॉक्टर हरक सिंह जो मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर्स त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत। पहले यूं समझा जाता था कि हरीश रावत के कार्यकाल में ढेंचा बीज कांड को विराम दे दिया गया है, इसका मतलब ये था। जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो र्यूमर्स चल रहे थे, वो चल रहे थे कि इनके वजह से ही ढेंचा बीज कांड में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उसे पूर्ण विराम लग गया। लेकिन हाल ही में न्यूज़18 को दिया गया इंटरव्यू में हड़क सिंह रावत ने जो रहस्योद्घाटन किया है, जो स्टार्टलिंग डिस्क्लोजर किया है, उससे उत्तराखंड के राजनीतिक कॉरिडोर्स में निसंदेह एक सेंसिटिविटी आ गई है, मीडिया हाइप हुआ और ये मुद्दा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हड़क सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत आज दोस्ती दिखाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति, और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरीश रावत के प्रति दोस्ती का इजहार करते हैं, जबकि दोनों अलग अलग दलों में हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हरीश रावत मुझे
उजाड़ू बल्द कहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए वो आपस में सिर फोड़ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हरक सिंह रावत ये कहते हैं, ये वही हरीश रावत हैं जिन्होंने जब ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट थे उस समय इन्होंने ढांचा बीच कांड की फाइल मंगाई और उस फाइल पर ये कार्रवाई कर रहे थे कि किसी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, संभवतः उनकी गिरफ्तारी को लेकर। और अगर मैं नहीं होता उस समय और मेरा अगर दो पेज का सख्त नोट नहीं लिखा जाता इनके पक्ष में, तो शायद आज ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं होते और इनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता। ये हरक सिंह रावत का दावा है। उन्होंने ये तक कह डाला कि जब वो हरीश रावत के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जब उन्होंने दो पेज का नोट लिखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में, उस समय इस नोट को उन्होंने आज के जो गवर्नर उस समय के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको उन्होंने नोट दिखाया था और साथ में अजय भट्ट को जो आज केंद्रीय मंत्री हैं। जबकि ठीक इसके उलट सिंह रावत ने उनकी बात को ध्वस्त किया ये कहते हुए कि मैं उस समय अस्पताल में था, जीवन और मरण से जूझ रहा था, उस समय मुझे कहाँ इसकी फुर्सत कि मैं किसके खिलाफ कार्रवाई करूँ किसके खिलाफ नहीं करूँ। अलबत्ता जब मैं ठीक हो गया उसके बाद मैंने इस केस को स्टडी किया और ये पाया कि त्रिपाठी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उन पर कोई केस नहीं बन रहा था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि किसी भी संवेदनशील राजनेता के खिलाफ इस तरीके से उलूल जुलूल आरोप लगाना जिसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये किसी को शोभा नहीं देता और हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करें। तो हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने ये पाया कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेशिया न मुख्यमंत्री जब उस समय के मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कोई केस बनता और ना ही उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ कोई केस बनता, अतः उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया। जबकि हरक सिंह रावत इस बात का दावा करते हैं कि अगर वो दो पेज का नोट नहीं लिखते तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, उनका राजनीतिक करियर ध्वस्त हो जाता, वो गिरफ्तार हो जाते। दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत खार खाए हुए हैं, अब सच्चाई इसके पीछे क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन उन्होंने इस हद तक बयान दे डाला कि उत्तराखंड में कहते हैं कि जो गधा है वो ढेंचा ढेंचा करता है, उनका इशारा सीधे तौर पर डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत की तरफ था और उन्होंने उनकी तुलना किससे कर दी आप इस बयान से खुद ही समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि उत्तराखंड में आज चुनाव के नज़दीक आते आते स्थितियाँ इस कदर हास्यास्पद बन गई हैं कि तीन बड़े नेता, दो मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत और एक मौजूदा मंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही पार्टी के हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप इस कदर लग रहे हैं कि स्थितियां हास्यास्पद बन रही हैं कि जो मुद्दा जिस मुद्दे पर आज विराम लग चुका है, जो लगभग सीन से हट चुका है, उस पर इनके आपसी जो हॉस्टिलिटीज़ है, आपसी जो ये समझ लीजिए कि जो फॉल्ट ईगो है उसको संतुष्ट करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय में सपने देख रही है या दावा कर रही है कि हम पुनः सत्ता में आएंगे, अगर उस पार्टी में जो रूलिंग पार्टी है उसमें इस तरीके की हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाए कि आउटगोइंग मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्री आपस में ही भिड़ पड़ें इसकी परवाह ना करते हुए कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है, पार्टी का डेकोरम क्या होता है, और सड़कों पर लड़ाई को ले आएँ जिसमें दूसरी पार्टियाँ ने कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूदा मंत्री का विरोध करें भारतीय जनता पार्टी के और पक्ष में खड़े हों पूर्व मुख्यमंत्री के, तो स्थितियाँ अजीबोगरीब बन जाती हैं और ये समझ नहीं आता कि कौन राजनेता किस पार्टी के राजनेता को सपोर्ट कर रहा है या विरोध कर रहा है, सिवाय इसके कि हरक सिंह रावत दो मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हरीश रावत से और दूसरा त्रिवेंद्र सिंह रावत से, क्योंकि दोनों राजनीतिक रूप से अपोजिशन में होते हुए एक दूसरे के सौहार्द रिश्ते रखते हैं और एक दूसरे की हाल ही में पब्लिकली मीडिया के सामने प्रशंसा भी कर चुके हैं कई मुद्दों को लेकर के।
इन तमाम बातों का लब्बो लबाब ये है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंटरनल स्क्वैबल से, फैक्शनलिज्म पॉलिटिक्स से परेशान थी, जिस पर आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यह पार्टी आपस में ही सिर कुटवल की स्थिति पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट हो चला है कि इस पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री के कंट्रोल में कुछ नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री के कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो अपनी घोषणाओं के मार्फत पार्टी को विकास की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये सब जानते हैं कि इन घोषणाओं का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और ये सारी जो घोषणाएं हैं ये कोल्ड स्टोरेज में चले जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही द्वंद्व की स्थिति में है और दोनों ही पार्टी परिवर्तन यात्राओं के सिलसिले को तेज कर रही है और जन यात्राओं के सिलसिले को तेज कर रही है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस समर में, इस चुनाव में अपने दावे आगे रख रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का, बिजली में कंसेशंस देने की बात कर रही है और दिल्ली के उदाहरणों को उत्तराखंड में प्रस्तुत करने की बात कर रही है ताकि नए विकल्प के तौर पर वो अपने आप को खड़ा कर सके। कुल मिलाकर 2022 के चुनाव के मद्देनज़र उत्तराखंड में दोनों ही दलों में जो मुख्य पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि उनकी सरकार आने वाले समय में बनेगी, सिर्फ उत्तरवल की स्थिति में है और मौजूदा जो द्वंद्व हड़क सिंह रावत जी के बीच में और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बीच में जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हास्यास्पद नज़र आ रही है। लेकिन हरीश रावत जी के बयानों से भी ये साफ इंगित होता है कि दोनों ही इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हड़क सिंह रावत कि मैंने उनको बचाया, दूसरे हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ढांचा बीच कांड को लेकर कोई केस बनता ही नहीं और त्रिवेंद्र सिंह रावत हड़क सिंह रावत की तुलना ढांचा ढांचा आजकल उत्तराखंड में कहावत है कि गधा करता है, इससे कर रहे हैं। ये हास्यास्पद भी है और दुखदायी घटनाक्रम भी है कि जहां हम उत्तराखंड के विकास, चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, उसे एक नए विकास के अध्याय की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के झगड़ों से उत्तराखंड राष्ट्रीय राजनीतिक पटल में एक हास्यास्पद प्रदेश की तरफ जाने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। फैसला आप पर है, चुनाव मार्च अप्रैल में अपेक्षित है 2022 में उत्तराखंड में, ऊंट किस तरफ बैठेगा ये तो समय ही बताएगा और प्रदेश की जनता क्या चेंज को प्रेफर करने जा रही है पिछले उदाहरणों की तरह, ये भी समय ही बताएगा। अब इतना ही आपके बीच, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहस पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना दृष्टिकोण ज़रूर स्पष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।